मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बाढ़ से बाधित किसानों को सरसकट 50,000 रुपए प्रति हेक्टर आर्थिक सहायता देनी चाहिए। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों एवं घरों के पुनर्वसन के लिए विशेष निधि शीघ्र आवंटित की जाए और किसानों की सरसकट कर्ज माफी किया जाए। मोदी जी कहाँ है आप? संजय सरोवर का पानी छोड़ने के कारण 2022 में प्रलयंकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों का घर अब तक नहीं मिले। आदरणीय सदस्य डॉक्टर प्रशांत यादव राव जी। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में आपने हमारे लोगों का दर्द साझा करने का मौका दिया। पिछले हफ्ते भंडारा गोंदिया जिले में भारी बारिश के कारण होने से और गोसे खुर्द धरण के अधूरे काम से इन काम के कारण बाढ़ आई, जिसमें धान की फसल, किसान, नागरिक और व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। परे सड़ने के कारण किसान भाई डबल से फसल भी नहीं लगा सकते। यह प्रश्न आता है कि साल भर वो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। किसानों को सिर्फ 5,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा दिया गया, जबकि किसानों को 25,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत है। आप उनकी आय को दुगना करने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जेब भी कट गई है। मेरा अन्नदाता किसान आज संकट में है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बाढ़ से बाधित किसानों को सरसकट 50,000 रुपये प्रति हेक्टर आर्थिक सहायता देनी चाहिए। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों एवं घरों के पुनर्वसन के लिए विशेष निधि शीघ्र आवंटित की जाए और किसानों की सरसकट कर्ज माफी किया जाए। मोदी जी कहाँ है आप? संजय सरोवर का पानी छोड़ने के कारण 2022 में प्रलयंकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों का घर अब तक नहीं मिले। उन्हें न्याय कब मिलेगा? कब गरीबों और लाभार्थियों को जमीन के पट्टे मिलेंगे? मैं उस बूढ़ी माँ को क्या जवाब दूँ जो रोज मुझे पूछा करती है कि कब घरकुल मुझे मिलेगा, कब घरकुल मुझे अलॉट होगा, कब घरकुल की स्कीम के अंतर्गत लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे, कब किसानों को फसल के पैसे दिए जाएंगे, कब मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को मजूरी मिलेंगी, कब बढ़े हुए बिजली के दर कम होंगे, कब किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेंगी। अरे 24 घंटे बिजली नहीं तो 12 घंटे ही दे दो। रात को क्यों बिजली देते हो, दिन में क्यों नहीं देते? रात में दिन भर काम करेगा अपना किसान और रात में जाके वहाँ पे बटन चालू करने के लिए जाएगा? अगर उसको सांप ने काटा तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आप समाप्त कीजिए प्लीज। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, कब विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा? क्या केंद्र सरकार अन्याय के खिलाफ उसका साथ देंगी?